भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा तीसरा ओडीआई मैच खत्म हो गया है और श्रीलंका ने इसे 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा था, जबकि श्रीलंका ने इसे 8 ओवर पहले ही हासिल कर लिया और 3 विकेट से इस मैच में दर्ज की है अपनी जीत। आपको बता दें कि श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। इसके अलावा भानुका राजपक्षे ने 65 रन बनाए। और अगर बात करते हैं भारतीय गेंदबाजी तो भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा राहुल चेहर ने 3 विकेट लिए, जबकि चेतन सकरिया ने 2, कृष्णप्पा गौतम और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। जबकि श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो धनंजय और जय विक्रमा को 3-3 विकेट, जबकि चमीरा को 2 विकेट और करुणारत्ने और शनाका को 1-1 विकेट मिला। आपको बता दें कि बारिश के कारण इस मैच को 47 ओवरों का कर दिया गया था और भारत की पारी 43.1 ओवर में ही सिमट गई थी 225 रन पर, जिसके बाद श्रीलंका को 226 रन बनाने थे और श्रीलंका ने 3 विकेट रहते हुए ही इस टारगेट को जो है वो हासिल कर लिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो उनके ओपनिंग बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो का रहा है। आपको बता दें कि 76 रन इन्होंने बनाए। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था कोलंबो में। अब भारत और श्रीलंका T20 सीरीज की तैयारी कर रही हैं और क्विक न्यूज़ भी आपको श्रीलंका और भारत की सीरीज से जुड़ी हर पल की अपडेट देता रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और T20 मैच की सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।